जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ बच्चे बिल्डिंग के अभाव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं बारिश में हादसा होने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले साल भी स्कूल में हादसा हो चुका है जिससे बच्चे बाल बाल बचे थे। वहाँ के मुख्यालय पर स्थित जोड़ी शाला की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ पर बच्चों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस हादसे में बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं इस स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है और उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वह कभी भी गिर सकती है। बेटा, यहाँ पे भी जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और ये कहा जाता है कि पिछले साल यहाँ पे गिरी थी, उसकी वजह से आपको डर नहीं लगता है? यहाँ पर आपने कभी अपने शिक्षकों को इस बारे में बताया कि सर हमको डर लगता है यहाँ पे? फिर यहाँ पे कैसे, क्या है बिल्डिंग है? तब भी आप यहाँ पे पढ़ते हो? खतरा बरसात के मौसम में बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह बिल्डिंग बरसात के मौसम में कभी भी ढह सकती है। ये यहाँ पर जो हादसा हुआ था पिछले साल, इसके वजह से आपको डर नहीं लगता? सर लगता है सर, पानी गिरता तभी लगता है। यहाँ पे पानी गिरता रहता है कि आपके जब क्लास लगती है तब भी? हाँ सर गिरता है। और बिल्डिंग काफी पुरानी होने की वजह से स्कूल में बरसात के कारण पानी भी आता है और बच्चों को उन बिल्डिंग में बैठने में काफी दिक्कत आती है। ऐसे हम लोग को अभियान चला के, हम लोग जो सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर है उनके माध्यम से जांच करवा लेते हैं और पूरे में भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से जहाँ भवन है जर्जर है और जहाँ इस तरह की दुर्घटना की संभावना है उनको उपयोग नहीं किया जाए। पुनः जो पूरा स्कूल है जैसे कि हमारा ड्योड़ी शाला है, दोनों को हम पुनः ठीक भेज के जाँच करा देते हैं। अगर ऐसा होगा तो वहाँ निश्चित तौर पर जो भी बेहतर व्यवस्था हो सके, सुधार हो सकेगा वो करेंगे। और ऐसे क्षतिग्रस्त भवन जिनमें गिरने की संभावना है उनमें बच्चों को पूर्णतः प्रतिबंधित रखेंगे, वहाँ न बैठाया जाए और उनको खा भी जाए तो वहाँ पर ही जर्जर। प्रिंसिपल पुरुषोत्तम सक्सेना ने बताया कि कुछ समय पहले अवकाश काल में छत गिरने के हादसे हुए हैं। वहीं उन हाथों में बच्ची को तो किसी प्रकार की चोट नहीं आई। वहीं नई बिल्डिंग में रिपेयरिंग तो करवा दी गई है। इस बिल्डिंग में पहले नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग है जिसके कारण स्कूल में लगातार पानी आता है। घर पर जैसे ही हादसा हुआ उसके पहले भी, जब से ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई मेरे आने के पहले से भी, तब भी वरिष्ठ कार्यालय को बराबर सूचित किया गया तो गत वर्ष जो राशि प्राप्त हुई थी उससे कुछ मरम्मत कार्य करवा दिया, पर अभी भी कुछ होना बाकी है। INC 24 न्यूज के लिए राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, INC 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज़ प्राप्त करें।